मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका कॉलेज कैसा गया, क्या एक्सपीरियंस लिया कॉलेज में? तो जैसे आपने स्कूल में सोचा होना कि यार कॉलेज आके तो ये चीज़ करूँगा वो चीज़ करूँगा, क्या वो चीज़ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका 2 करोड़ का क्वेश्चन ये है कि क्या कॉलेज में कोई बंदा बना? सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज है हमारा कॉलेज का आखिरी दिन और आखिरी पेपर। लोगों से बात करेंगे कि उन्होंने पूरे साल क्या सीखा, कैसे उनके एग्ज़ाम गए हैं, मतलब कॉलेज में आके उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, तो वो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को फर्स्ट क्लास देखना जरूर, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। थरकी यहाँ हूँ मैं, क्या नहीं नर्वस है। तो हमारे पहले उम्मीदवार मिल चुके हैं हमें, हमारे विक्रांत सर। तो ये हमारे दत्तनगर से हैं, मेरे दोस्त बने हैं इसी साल कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में आया। तो मेरे मित्र, आपका आपके एग्ज़ाम कैसे गए? एग्ज़ाम तो बस एक आधे घटिया से गए, बाकी मस्त एकदम पास तो ही जाऊंगा शायद। 35 में है तो यहाँ लड़कियाँ बैठती थी, तो हम अब इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका कॉलेज कैसा गया, मतलब आपका जैसे आज आखिरी दिन है कॉलेज का, तो क्या क्या एक्सपीरियंस किया कॉलेज में? मैंने तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बता नहीं सकती। तो आपका जो ये कॉलेज था इस साल फर्स्ट ईयर आपका, शुरू शुरू का कॉलेज कैसा रहा आपका कॉलेज? देखो जी, शुरू शुरू में तो एकदम मस्त फुल मजे आते थे, एकदम नया एक्सपीरियंस था। अब तो खैर आदत होगी तो बोरिंग जैसी लाइफ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका कॉलेज कैसा गया, क्या एक्सपीरियंस लिया कॉलेज में? मैंने ये एक्सपीरियंस लिया, शायद मेरे को कॉलेज नहीं आना चाहिए था, वही बर्बाद होने के काम में कॉलेज। आपने क्या एक्सपीरियंस लिया? कुछ नहीं, मैं तो पूरी साल में एनसीसी। जय हिंद दोस्तों। देखा एनसीसी वालों के तो क्या ही कहने, मजे। तो जैसे आपने स्कूल में सोचा होना कि यार कॉलेज आके तो ये चीज करूंगा वो चीज करूंगा, क्या वो चीज हुई कॉलेज में? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मित्र हमारे अभी कॉलेज को आएंगे शुरू शुरू में, उनके लिए कुछ संदेश? देखो जी, एक बार सोच लेना और कॉलेज जाने से पहले मैं तो यही बोलूंगा। अच्छा, अभी हमारे बता क्या रहा, नए नए आएंगे फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहोगे आप? कॉलेज मत आओ। आप क्या कहेंगे? हाँ आओ, एनसीसी रखो, रगड़ा खाओ। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर बने रे, ये दो गरीबों को उठा। अरे और कॉलेज में लड़कियां बंदियां नहीं बिठाई आप? वो जिसने तो आना है वो तो बेफिक्र होके आ सकता है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। तो बंदी बंदी नहीं बिठाई आपने? वो तो चला है, चला है, समझ रहे हो, चला है। तो कॉलेज की कोई ऐसी बात जो आपको याद आएगी, मतलब जो इस साल आपने एक्सपीरियंस की, जो जिसको सोच के हंसी आए या कुछ भी? कुछ है ऐसा इंसिडेंट? समझ रहे हो दर्शक को दिखाओ, समझ रहे हो। कौन था बताओ, हमारे दर्शक सुनना चाहते। मेरा वेट करते करते गिर गई थी बेचारी, सड़क में लंबी पड़ गई। देखो गाइस, कॉलेज में ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ कॉलेज से रिलेटेड कुछ संदेश? कॉलेज से रिलेटेड मजे करो, और क्या बोलेंगे, कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ मजे करो बस, और क्या। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई संदेश हमारे मित्रों के लिए? ऐसे ही तरक्की करो। हाँ देखो, तो गाइस ये भी हमारे फर्स्ट ईयर में फ्रेंड बने, कहाँ से आप? हम रंदल से हैं। रंदल, हाँ यहाँ से ऊपर से ब्रॉ से ऊपर। तो आपका कैसा गया कॉलेज? बहुत ही खराब, बर्बाद होगी मैं कॉलेज में आके। कोई संदेश दर्शकों के लिए? Nope. कुछ अपने विचार रखना चाहोगे? अभी लास्ट डे है हमारे कॉलेज, मतलब हमारे फर्स्ट ईयर का, क्या एक्सपीरियंस लिया ऐसा कॉलेज में जो आप हमारे न्यू स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनको बताना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगी उन लोगों से कि कॉलेज ना आए, बहुत ही बर्बादी के काम है। सब मना करें, मैं बोलो गाइस आओ। नहीं गाइस, रामपुर कॉलेज के लोग यहाँ ऐसे से पास हो रहे हैं।
कॉलेज की कोई ऐसी बात जो आप सुन के आपको हंसी आए? बस दोस्तों के साथ दिन भर गप्पे और घूमना फिरना और जो मस्तियाँ होती है, मतलब नए नए दोस्त बने, उनकी यादें, अब पुरानों को भूल गए, अब अलग अलग गए सब। उसके बाद बस यही है कॉलेज में, बाकी क्या है, इंजॉय, फन, बाकी तो सारा बोरिंग है और कुछ नहीं। तो सुनो, इतने बेशर में हमारे को जगह ही नहीं, हम खाली इस पास आने की। जैसे स्कूल में सोचते ना कि यार कॉलेज जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, क्या वो चीज़ें होती है कॉलेज में? नहीं यार, वो ही चीज़ें तो नहीं है कॉलेज में। अब तो मैं ये सोचूंगी कि आज स्कूल लाइफ वापस मिलती ना, वो लाइफ। और पता है आपको आज कॉलेज का आखिरी दिन है, मतलब वैसे कॉलेज के नहीं, फर्स्ट ईयर का आखिरी दिन, तो आपको दुख नहीं हो रहा? दुख तो हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा, मेरा नहीं आखिरी दिन अभी। आपके तो कैंप लगे ना NCC? तो डेली क्लास है एग्जाम के लिए। NCC मत रखना। रखना मत रखना, रखना रगड़ा देगी उल्टे पाँव ऊपर जाएगी पाँव सर देंगे, क्यों देंगे हम रगड़ा? शुरू में हमारे को भी ऐसा बोला मैं, जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट। ओ माय गॉड, सो राइट। बाकी विचारों पे मत जाइए, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका 2 करोड़ का क्वेश्चन है कि क्या कॉलेज में कोई बंदा बना? बंदा नहीं यार, बंदे तो हजारों आए हजारों गए, बट हमने किसी को वो नहीं किया। तो ये है हमारे हमारे फर्स्ट ईयर का आखिरी दिन। तो आज हमारा लास्ट एग्जाम, तो ये हंसते हुए चेहरे इसी बात को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं कब वो रोल नंबर लगे और फिर वो नीचे जाए रोल टैक्स में लेके, सीधे लिखना है इन्होंने रोल नंबर लेके। उसके बाद गाइस अब सेकंड ईयर में मिलेंगे कॉलेज में, बाकी फेल हुए तो अलग बात है, वापस आपके साथ ही बैठेंगे। हाँ, इतने खतरनाक आदमी ने, इससे खतरनाक आदमी ने देखे तो भाई जी, जैसे लाल खतरा का निशानी होती है ना। तो कैसे गया आपका कॉलेज? बस अच्छा गया, एकदम झकास। पेपर कैसे जा रहे आपके? बस ठीक जा रहे हैं, हो जाएंगे फेल। क्या सीखा आपने फर्स्ट ईयर में? अभी तक तो कुछ नहीं सीखा, अब सीखना है, फिर से पढ़ना है फर्स्ट ईयर। ये ना लड़कियों के साथ हमेशा बिजी होता है, ऐसे कुछ नहीं, इग्नोर मारना। ये हंसता सा चेहरा। सुनो, जैसे आपने सोचा था ना स्कूल में कि कॉलेज जाऊंगा, ऐसे हीरो बनूंगा, ये होगा वो होगा, क्या वो हुआ? जो जो सपने आपने सोचे थे वो साकार हुए? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो मित्र लोग हैं इनके लिए कोई संदेश? आओ कॉलेज आओ, मजे करो। बाकी तुम्हारे को पता है NCC में आना तो मेरे हाथों रगड़ा मिलेगा। ऐसे में ड्राव रखेंगे नहीं NCC? कोई बात नहीं भाई जी, बाहर में मिलेगा वो तो। अच्छा, और क्या पूछ सकते हैं हम, पेपर कैसे जा रहे हैं आपके? फेल होने की कगार पे भाई जी। हाँ, पीछे से सर भी देख रहे हैं। तो ये हमारे सर तारीफ कर रहे हैं। हाँ, सर से क्वेश्चन करते हैं। तो आप बताओ सर, हमारे रामपुर कॉलेज के बारे में कुछ? नहीं, रामपुर कॉलेज ठीक चलना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे तो कि भाई बेकार चले, अच्छा चले, बढ़िया हो, कैसा सर, तरक्की पर हो बच्चे, ऐसा ना हो कि उल्टे एम में गर्ल्स साइड चले। जी जी सर, ठीक है ना। तो गए जी, इतना रश है, ऐसे नहीं कि यहाँ हलो पूरी भट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों, ये लोग ना यहाँ वो रोल नंबर देख रहे हैं, इसके बाद ये जाएंगे सीधे नीचे डेस्क में गेड़ा लिख, फिर लिखेंगे पर्यावरण क्या होता है ना भाई, इतना तो पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण। तो गाइस, हमारे आसपास का वातावरण ये पर्यावरण है। क्या है? पर्यावरण। तो आज पर्यावरण का पेपर है। तो मित्रों, ये लोग यहाँ रोल नंबर देख रहे हैं, इसके बाद ये रोल नंबर देखने के बाद सीधे जाएंगे नीचे बेंच में लिखेंगे जहाँ जहाँ इनकी सीट होगी। ये अंदर किसकी में है किसी को नहीं बताना। तो ये हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी है लाइव। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस वातावरण को देख के? मैं इस वातावरण को देख के यही कहना चाहूँगी, यही वो लोग हैं जो हमारे वातावरण को दूषित करते हैं। देखो, हमारे चारों का वातावरण पर्यावरण कहलाते हैं, सब पर्यावरण है। तो आज हमारा पर्यावरण का पेपर है। एग्जाम देने के बाद इसके पेपर बकवास। आपको कैसा गया? तो आखिरी दिन फर्स्ट ईयर का कैसा लग रहा? फिर से वापस फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं। ठीक है फिर, बाय बाय। इस पेपर ख़त्म होता हुआ और ऐसा बैठा तो मैं कब उठूँ कब ख़त्म हो, ये हंसते हुए खेलते हुए चेहरे, आखिरी दिन फर्स्ट ईयर का, इसके बाद अब सेकंड ईयर में सीधा।
सब चल पड़े घर की ओर। कैसे गए पेपर? खत्म। हमारा कैमरामैन देख सकते हो, सब अब चल पड़े घर की ओर। चारों ओर इसका चैनल सब्सक्राइब करना क्या है? हाँ, चारों ओर खुशी का माहौल। इतनी खुशी। अब हम चल पड़े घर की ओर। इसकी तो जिद भी नहीं। तो ये था हमारे फर्स्ट ईयर का आखिरी दिन। अब मैं तुम्हारे को अपना एक्सपीरियंस बताता अपने कॉलेज का। तो जैसे स्कूल में सोचा था कॉलेज जाके इतने सारे दोस्त बनेंगे, ये होगा वो होगा, तो जो पुराने दोस्त हैं वो छूट जाते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं, नए साथी जुड़ते रहते हैं। बाकी स्टडी की बात की जाए, अगर आपको पता है कि आपने कॉलेज के बाद करना क्या है, तो बेस्ट है कॉलेज स्टडी। बाकी अगर आपको अभी पूरा पता नहीं ज़िंदगी में करना क्या है, तो कॉलेज आके बस ऐसा लगे आपको कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अपने जिम्मेदारी पर कॉलेज आए, ठीक है। बाकी मज़े तो होते हैं कॉलेज में, कोई बोलने वाला नहीं होता ज़्यादा। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज में सीखने के लिए। लाइफ में सही गलत, ज़िंदगी की जो असली मज़े है और जो ज़िंदगी का असली संघर्ष है, वो आपको कॉलेज में ही पता लगेगा। तो अब हम रामपुर बाजार घूम रहे थे, यहाँ लाइब्रेरी के बाहर है, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, बहुत टाइम बाद ब्लॉग बनाया। तो भाई जी, वो जो शेयर बटन होते ना, कर देना स्टेटस में, साथ में वो बेल आइकन होता है उसको भी दबा देना।